आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। क्या आप बहुत परेशान हैं? क्या आपका दिन बहुत बुरा जा रहा है? और क्या आप अपने लाइफ में मस्ती चाहते हैं, थोड़ा मुस्कुराना चाहते हैं? तो फिर आपको और कुछ नहीं, राहुल गांधी जी की वीडियो देखनी चाहिए। राहुल गांधी जी अपने आप में पूरा का पूरा एक एंटरटेनमेंट पैकेज है। अगर आपको राजनीति में हास्य से भरा शो देखना है तो आप इनकी वीडियो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान और इनकी थ्योरी को साबित करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। खैर, आलू से सोना निकालने वाली मशीन अभी शायद प्रोसेसिंग में है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कब क्या बोल दे कुछ नहीं पता। इनके भाषणों का आलम यह है कि इनकी बात सुनकर इनका ट्रांसलेटर भी बेहोश हो गया। जी हाँ, खबर है तमिलनाडु से। दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी तमिलनाडु के ईरोड पहुंचे थे और यहाँ भाषण के दौरान ही अजब घटना देखने को मिली, जब भाषण का अनुवाद करने वाला शख्स ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। जी हाँ, राहुल गांधी के अंग्रेजी भाषण का तमिल में अनुवाद करने वाले प्रोफेसर साहब मंच पर ही बिखर गए। हो सकता है कि राहुल गांधी के भाषण उन्हें समझ ही नहीं आए हो, या फिर राहुल गांधी के शब्द उनके सर से ऊपर जा रहे थे और वो भी सोच में पड़ गए कि भाई कहना क्या चाहते हो। अब राहुल की बातें तो राहुल ही जाने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 जनवरी को राहुल गांधी अपना भाषण अंग्रेजी में दे रहे थे और 35 साल के मोहम्मद इमरान उनके भाषण को पूरे जोश के साथ ट्रांसलेट कर रहे थे। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि प्रोफेसर अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो किस वजह से बेहोश हुए थे। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यहाँ बड़ा ही ज़बरदस्त और मस्त भाषण दिया था और एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत के किसान, श्रमिक और मजदूर मजबूत होते तो भारत को सीमाओं पर सेना, नौसेना और वायुसेना को तैनात करने की आवश्यकता नहीं होती, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पर। उन्होंने दावा किया था कि अगर किसानों और मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार दिया गया तो चीन भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई वाह, क्या क्रोनोलॉजी है। फिर ये कहते हैं कि और मेरे अंदर आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। खैर, ट्रांसलेटर के साथ राहुल गांधी की पहली भी नहीं जम पाई है। राहुल गांधी और ट्रांसलेटर की जोड़ी ठीक वैसे ही है जैसे दही के संग पिज्जा। जी हाँ, आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इफ वी से तमिलनाडु इज इंडिया, then we have to say that India is Tamil Nadu. Tamil Nadu என்பது இந்தியா என்பது மட்டுமல்ல, இந்தியா என்பதே தமிழ்நாடு என்கிற வகையில். It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. अरे कहना क्या चाहते हो? अरे देखा आपने कैसे ट्रांसलेटर कंफ्यूज हो गया था। मुझे पता है कि आप लोगों का मन इतने में भी नहीं भरा होगा, तो ये लीजिए फुल ऑन पैकेज। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। आखिर हंसने का अधिकार तो सबका है। And we have all heard these grand promises. Yes, നമ്മളദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. Wherever he goes, a new promise. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. Don't make me prime minister, he says. Make me the chowkidar. No. He says, adeham parayunu adehathe pradhanamantri aakkanda soochippakaran aakkiya madhi ennu chowkidar. But brothers and sisters, the question is, who's chowkidar? ആരാണ് ഈ ചൗക്കീദാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ആരാണ് ഈ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ? He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാർ, അനിൽ അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാറായി മാറി. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 crore Anil Ambani ke adhyagam danamayi nalgi. He's never made an aircraft in his life. Huh? Then what do we do?
echo is coming. Okay. Okay. He has never made an aircraft in his entire life. അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹീസ് ഗിവൻ ദ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And then in every speech, the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister? Yeah. Ella prasangathilum pradhanamantri ayodhya kurichu parayunu. He spends 1.5 hours answering 4 questions. Does not mention Rafael. Does not mention Anil Ambani. Sometimes he looks up. Sometimes he looks left. Sometimes he looks right. Sometimes he looks down. He cannot put his eyes into the eyes of the people of India. We are going to do a surgical strike on poverty. നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Imagine 20% of India's poor can be given 72,000 rupees a year. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. Oro paavapatta aalude accountil koduthu kondu 72,000 rupees veedam koduthe nammude paavapatta 5 crore കുടുംബങ്ങൾ 25 കോടി ജനങ്ങളെ അതുപോലെ സഹായിക്കും. The moment poor people receive this money, they will start buying products. ഈ പണം സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അവർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I'll give you the example of the rubber industry. വ്യവസായത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Urala, did he ask the people who worked in the rubber industry before taking this step? അദ്ദേഹം ഈ ഡീൽ നടത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായോ? That when a person like Anil Ambani, Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money, he does not go to jail. Then farmers paranju Anil Ambani panam tharunnilla engil kadavaduthu tharunnilla engil അതിന് ഞങ്ങൾ സഫലിയുണ്ട, ഞങ്ങൾ തരുന്നതായി പറഞ്ഞു. മജായ ഓർ മേ യു ജോ മജാ ഹെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ ഹർ വ്യക്തി കോ ദേനാ ചാത്താ ഹൂ.